हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जी नीरज, भारतीय वायुसेना में ये एक नई शुरुआत, ये ऐतिहासिक पल, सैन्य इतिहास में ये नए युग की शुरुआत हो रही है भारतीय वायुसेना के लिए। बिल्कुल रोमाना, ये नए युग की शुरुआत है। भारत की कैपेबिलिटीज, भारत की क्षमताएं जो हैं, खासतौर से एयर स्पेस की अगर बात करें तो हवाई ताकत की बात करें तो ये पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट मान सकते हैं। जैसे कि खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि रेवोल्यूशनाइज कर देगा ये, और बिल्कुल ये क्रांति है दक्षिण एशिया में। जैसे कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो फाइटर जेट्स हैं कितनी कैपेबिलिटी इनकी है। जैसे कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि 24 घंटे में 5 बार उड़ान भर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो फाइटर जेट्स की जो भारत ने जो डील की है फ्रांस के साथ, उसमें इस बात का भी कमिटमेंट लिया है कि ये 36 रफाल लड़ाकू विमानों में से 75% फाइटर जेट जो है हमेशा ऑपरेशनली जो है रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। क्योंकि फाइटर जेट्स की जो सर्विसेबिलिटी होती है वो बहुत बड़ा इशू होता है। जो भी दुनिया भर की जो फाइटर जेट्स है वो 30-40% ही सर्विसेबिलिटी रहती है, 50% मैक्सिमम रहती है, लेकिन ये फाइटर जेट जो है 75% जो है वो एक टाइम में तैयार रहेंगे लड़ने के लिए, यानी कि ऑपरेशनली तैयार रहेंगे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ 36 ही नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भारतीय वायुसेना के लिए, इन रफाल लड़ाकू विमान जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। और मेरे जो दूसरे सहयोगी जो कैमरामैन है उनके पास ये रफाल लड़ाकू विमानों की कुछ तस्वीरें आई हैं रोमाना, हम उनको भी देना चाहेंगे आपको। जल्द ही हम लोग वो आपको आप तक पहुंचाएंगे कि वो फाइटर जेट्स जो हैं, रफाल लड़ाकू विमान जो हैं, जो हमारे सहयोगी हैं और दूसरे जो कैमरामैन हैं और जो रिपोर्टर हैं यहाँ पर पहुंचे थे उनके कैमरामैन। तस्वीरें भी जुटाइए दर्शकों के लिए, मैं आपके पास दोबारा बाद में लौटूंगी। और इस बीच हम सीधे प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, लेकिन रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया है और एक तरीके से इसमें साफ तौर पर चेतावनी भारत के दुश्मनों को कि साहब दुश्मनों को अब सोचना होगा, ये हुंकार जो रफेल भर रहा है इससे दुश्मनों में हाहाकार होगा। प्रणय, बिल्कुल रोमाना, बहुत सारी चीजें जैसे कि हम बात कर रहे हैं काफी देर से कि किस तरीके से ये जहाज केवल एक जहाज नहीं है, ये सिक्योरिटी डायनामिक्स में, इसकी पैराडाइम में बहुत सारी चीजें बदलता है, कहां कहां बदलता है, किस तरीके से ये भारत की कैपेबिलिटीज को अब बढ़ाता है कि अब उसे एयर स्ट्राइक करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की जरूरत नहीं है। यानी जो दुश्मन के खेमों के मिलिट्री प्लानर्स हैं उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि भारत इस तरीके से भी काउंटर कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि भारत की जो पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट आया है, जिसके अंदर जिस तरीके से उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, इसमें इसके साथ भारत ने यह साबित करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है कि जरूरत पड़ने पर भारत ऑफेंसिव जो पॉलिसी है उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है किसी घटना को या किसी आक्रामक कार्यवाही के खिलाफ। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि राफेल के आने से भी बदलती है, राफेल के साथ बदलती है। आप कर रहे हैं जिस बात का जिक्र नीरज राजपूत कर रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी, वो पैराडाइम शिफ्ट वाली बात पर। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देख लीजिए जरा, अब से कुछ देर पहले जिस समय अंबाला के आसमान में कैमरों में कैद हुई हैं इन रफेल लड़ाकू विमानों की तस्वीरें, वो एक बार फिर से देश को देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी जो है उसको गर्व। ये तस्वीर देखिए आप, क्या शानदार तस्वीर, लैंड करने के समय की ये तस्वीर, लड़ाकू विमान रफेल अंबाला के आसमान में, बिल्कुल एयरबेस जो अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन है उसके बिल्कुल नजदीक जिस समय लैंड कर रहा था उस समय की ये तस्वीर। और तस्वीर जितनी शानदार उतनी ही जानदार, तस्वीर की आवाज जिसमें गर्जना सुनाई दे रही है, हुंकार सुनाई दे रही है इस रफेल विमान की। और इस मौके पर प्रणय उपाध्याय, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है जहां वो कहते हैं कि साहब शांति की पहल जो है वो कमजोर नहीं कर सकता है, शांति की पहल भी ताकतवर ही कर सकता है। और ऐसे में हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाता ये रफेल जो अब हमारे पास है। प्रणय, ये हम गर्जना आपको सुना रहे हैं, ये रफेल जिस समय लैंड कर रहे थे अंबाला एयरबेस की, और ये कैमरे में जो तस्वीर ली गई है, दरअसल वो कैमरा एंगल बहुत खूबसूरत है, इसमें रफेल विमान आप बहुत नजदीक से देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत नीचे की तरफ वो इस समय उड़ान भर रहा है, बस लैंडिंग से जस्ट पहले एक तरीके से आप कह सकते हैं उस समय की ये तस्वीर है। इसीलिए तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि रफेल का पूरा व्यू आपको मिल रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी आंखों के सामने बिल्कुल आसमान में साफ उड़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए जरा, जो मैंने पहले कही कि जितनी खूबसूरत यह तस्वीर है, जितनी शानदार यह तस्वीर है, उतनी ही जानदार इस तस्वीर की आवाज है। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा वो आवाज सुन लीजिए आप, यकीनन आप इंतजार भी कर रहे होंगे इस गर्जना को सुनने की। राफेल का आसमान में जय घोष सुन रहे हैं आप, यही वो हुंकार राफेल की जिसे सुनकर इस समय दुश्मन के मन में हाहाकार हो रहा होगा, लेकिन हर हिंदुस्तानी का मन इस समय गर्व से भरा हुआ है इस जानदार शानदार तस्वीर को देखकर और गर्जना को सुनकर, दुश्मन के रोंगटे खड़े करने वाली ये गर्जना और भारत की फक्र की तस्वीर आज की ये राफेल की, बस चंद लम्हों पहले राफेल की लैंडिंग से अंबाला एयरबेस पर इस समय सुरक्षित लैंडिंग, पांचों राफेल विमानों की हो चुकी है और सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत, अगर मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जबान में कहूं तो। भारतीय वायुसेना को बधाई भी इस मौके पर रक्षा मंत्री ने दी है। समझना हमें इस बात को होगा कि भाई 42 स्क्वाड्रंस की हमारी वायुसेना को जरूरत, और ये जो है वो हवाई पट्टी की तस्वीर है, यहां पर मुझे लगता है अब आप लैंड करते हुए देखेंगे राफेल विमान को। कुछ ही देर में हम वो लैंडिंग जिस समय भारत की सरजमी को छुआ राफेल विमान, उस तस्वीर का भी इंतजार कर रहे हैं हम, कुछ ही पलों में वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। फिलहाल देखिए लैंडिंग से जस्ट पहले की ये तस्वीरें जिसमें राफेल विमान बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है, मतलब बस लैंड ही होने वाला है, ज्यादा फासला नहीं है जमीन से, लैंडिंग से जस्ट पहले की ये तस्वीरें। और आगे हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस समय हवाई पट्टी पर उतरे हैं ये एक के बाद एक पांच राफेल विमान, उसकी तस्वीर भी आए, वो भी हम आपको दिखाएं, लैंड करते हुए तस्वीरें, उसके बाद टैक्सिंग करते हुए तस्वीरें रनवे पर, और फिर तो किस तरीके से वॉटर कैनन सल्यूट दिया गया इन पांच राफेल विमानों को, उसका भी हमें इंतजार है। तो भारत के आसमान में राफेल और दूसरी तरफ किस तरीके से टचडाउन हुआ, कैसे लैंडिंग हुई, वो ऐतिहासिक पल जब भारतीय सरजमी को चूमेगा राफेल विमान, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये ऐतिहासिक लम्हे हैं, दशकों पुराना इंतजार भारतीय वायुसेना का,